हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज गाइस मैं नवरात्र में पचकोसी क्षेत्र में पंडाल लगा हुआ है माँ का, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज माँ का 8वां दिन है, जिसको अष्टमी के रूप में लोग मानते हैं। माँ दुर्गा का आज के दिन, जो 9 दिन की व्रत नहीं रहते हैं, वो नवरात्र के प्रथम दिन और नवरात्र के आखिरी दिन का व्रत उपवास रखते हैं और माँ का पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आप सबके सामने सामने स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है कि माँ दुर्गा माता का सामने मूर्ति लगी हुई है और सभी भक्तगण, दर्शनार्थी लोग माँ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, पूजा विनती कर रहे हैं। और ये वो दृश्य है जो पंडाल के अंदर का लिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि सारे दर्शनार्थी गण लोग पंडाल के अंदर ही मौजूद हैं और सामने माँ का दर्शन कर रहे हैं। कतारें लगी हुई हैं, सारी लेडीजें सब लाइन में लगी हुई हैं पूजा पाठ करने के लिए। एक तरफ लेडीजें हैं, एक तरफ पुरुष हैं और ये सब माँ के दर्शन करने आए हुए हैं। और आगे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं, जो सभी दर्शनार्थी गणों को दर्शन करने के पश्चात माँ का भोग लगाया हुआ प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं। और ये माँ के मुख्य द्वार का बाहरी वो हिस्सा है जो बाहर जाने का रास्ता है। सामने पचकोसी चौराहा है, जो मेन रोड के किनारे ही माँ दुर्गा का पंडाल बनाया जाता है। हर साल इसी जाड़े में कुवार कार्तिक के मौसम में ही हल्का ठंडी का मौसम, हल्की हल्की ठंडी का मौसम रहता है। और इसी समय माँ का नवरात्रि भी पड़ता है और इस नवरात्रि को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।